नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते मेरे WhatsApp पे एक मैसेज आया पाम ऑयल को लेके। उसमें ये लिखा हुआ था कि पाम ऑयल स्मोकिंग और अल्कोहल से भी ज्यादा डेंजरस है और पाम ऑयल से कैंसर हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा रिसर्च किया जाए और पाम ऑयल के असलियत के बारे में जाना जाए। शुरू करते हैं शुरू से और पहले ये समझते हैं कि पाम ऑयल है क्या। पाम ऑयल एक तरह का एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जो ऑयल पाम ट्री से निकाला जाता है। दो तरह का पाम ऑयल होता है, पहला क्रूड पाम ऑयल और दूसरा पाम कर्नल ऑयल। क्रूड पाम ऑयल पाम फ्रूट के फ्लेशी पार्ट को निचोड़ के निकाला जाता है और पाम कर्नल ऑयल पाम फ्रूट के सीड को यानी कर्नल को क्रश करके निकाला जाता है। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि पाम ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान दिया जाता है वो सही है या गलत है। और ये समझने के लिए हमें पाम ऑयल के फैट कॉम्पोजिशन को पहले समझना पड़ेगा। हमें बार बार ये बताया जाता है कि फैट हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, पर यह बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फैट हमारे बॉडी में कई एसेंशियल चीजों में हेल्प करता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में और मसल मूवमेंट्स में भी। लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए कुछ फैट्स फायदेमंद होते हैं और कुछ फैट्स हानिकारक होते हैं। फैट्स के जनरली चार कैटेगरीज होते हैं, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट और मोनोसैचुरेटेड फैट्स। दोस्तों, ट्रांस फैट एक वर्स्ट डाइटरी फैट है और जो भी खाना ट्रांस फैट में हाई होता है उसको खाने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसे बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांस फैट हमारे ब्लड स्ट्रीम में हार्मफुल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है और बेनिफिशियल यानी फायदेमंद एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटा देता है। इनफैक्ट ट्रांस फैट तो यूएस में बैन भी है। हालांकि इंडिया में ट्रांस फैट कंप्लीटली बैन नहीं है, पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को 2022 तक 2% तक लिमिट कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे टाइप ऑफ फैट की, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को इन बिटवीन फैट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि सैचुरेटेड फैट्स को भी खाने से हार्ट डिजीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ स्टडीज कोई कंक्लूसिव एविडेंस तक नहीं भी पहुंच पाए हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टडीज ने ये जरूर कहा है कि हमें सैचुरेटेड फैट्स के कंजम्पशन को लिमिट रखना चाहिए अबाउट 10% ऑफ आवर डेली कैलोरी इनटेक। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे अच्छे फैट्स के बारे में, यानी मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल और एवोकाडो, ये हो गया मोनोसैचुरेटेड का मेन सोर्स और पॉलीसैचुरेटेड का मेन सोर्स हो गया वेजिटेबल ऑयल्स। दोस्तों, एक वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए कितना हेल्दी है या कितना नुकसानदायक ये डिपेंड करता है कि ये चार फैटी एसिड्स उस ऑयल में कितनी मात्रा में मौजूद हैं। तो क्या दोस्तों पाम ऑयल रियली हमारे लिए हानिकारक है? तो इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि पाम ऑयल में इन फैटी एसिड्स की कंपोजिशन कैसी होती है और हम कंपेयर करते हैं पाम ऑयल को ऑलिव ऑयल से। हम जानते हैं कि ऑलिव ऑयल एक काफी हेल्दी ऑयल है। पाम ऑयल में 50% सैचुरेटेड फैट्स होता है कंपेयर टू ऑलिव ऑयल जिसमें सिर्फ 13.8% होता है, यानी कि पाम ऑयल में ऑलिव ऑयल के कंपेरिजन में 3.5 गुना ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स होता है। और हम ये देख चुके हैं कि सैचुरेटेड फैट्स खाने से हमारे ब्लड स्ट्रीम में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और इसीलिए दोस्तों पाम ऑयल को एक हेल्दी ऑयल नहीं माना जाता है। और जैसा कि आपने ये भी जाना है कि रिसर्च ये बताते हैं कि हमें अपने फूड इनटेक में सैचुरेटेड फैट के मात्रा को लिमिटेड रखना चाहिए और इसीलिए दोस्तों हमें पाम ऑयल के कंजम्पशन को कम कर देना चाहिए और उसको ऑलिव ऑयल जैसे ऑयल जो एक हेल्दी ऑयल है उससे रिप्लेस कर देना चाहिए। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम पाम ऑयल के कंजम्पशन को कम्प्लीटली अवॉइड कर भी सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है भी? एक सुपरमार्केट में मिलने वाले लगभग सभी चीजों में पाम ऑयल होता है। 50% ऑफ द पैकेज गुड्स, पिज्जा, डोनट, चॉकलेट, लिपस्टिक और टूथपेस्ट, इन सभी चीजों में पाम ऑयल है। पिछले 20 साल में इंडिया में पाम ऑयल का कंजम्पशन 230% से बढ़ गया है। दुनिया में जितना भी वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम होता है उसमें से 40% सिर्फ पाम ऑयल का कंजम्पशन है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पाम ऑयल हमारे हेल्थ के लिए इतना बुरा है और इतना अच्छा नहीं है तो पाम ऑयल का कंजम्पशन क्यों बढ़ा चला जा रहा है?
इसका तीन मेन कारण है जो पाम ऑयल को एक अट्रैक्टिव कमर्शियल प्रोडक्ट बना देता है। पहला ये कि पाम ऑयल रूम टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, जिससे जो भी स्प्रेड्स होते हैं वो स्प्रेडेबल फॉर्म में रहते हैं। दूसरा ये कि पाम ऑयल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसके कारण चीजें खराब भी हो सकती हैं, उसको रेसिस्ट करता है, जिसके कारण प्रोडक्ट जिसमें पाम ऑयल यूज होता है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। और तीसरा ये कि पाम ऑयल रिफाइन होने के बाद एक कलरलेस और ऑर्डरलेस प्रोडक्ट बन जाता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट जिसमें पाम ऑयल यूज हो रहा है उसका अपना ओरिजिनल टेस्ट और स्मेल इंटैक्ट रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि क्या पाम ही ऑयल एक ऑयल है जिसकी ये प्रॉपर्टीज है? ऐसा भी नहीं है। तो फिर कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल को यूज करती हैं, वो कोई और ऑयल क्यों नहीं यूज कर रही हैं? इसका मेन कारण है पाम ऑयल क्रॉप की एफिशिएंसी। और दोस्तों, कैपिटलिज्म में एफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कम चीजों में आप ज्यादा चीज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और पाम ऑयल के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। दोस्तों, आप ये जान के आश्चर्य हो जाइएगा कि दुनिया में जितना भी फार्मलैंड वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6% पाम ऑयल के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, और पाम ऑयल खुद अकेला 40% वेजिटेबल ऑयल के डिमांड को पूरा करता है। यानी कि दुनिया का 40% वेजिटेबल ऑयल का डिमांड सिर्फ 6% लैंड से पूरा हो रहा है। सेम अमाउंट ऑफ ऑयल अगर कोकोनट और सोया से निकालना हो तो 4 से 10 गुना ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ जाएगी, जिससे डिफॉरेस्टेशन का रिस्क और भी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों, पाम ऑयल कंपनीज के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव वे है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का। अच्छा, इसके अलावा कि पाम ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है पाम ऑयल के साथ? मोस्टली दो कंट्रीज, इंडोनेशिया और मलेशिया, दुनिया का 85% पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है। पाम ऑयल प्रोडक्शन का दो सबसे बड़ा नुकसान है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। पहला, डिफॉरेस्टेशन। एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडोनेशिया और मलेशिया के 50% डिफॉरेस्टेशन का कारण है पाम ऑयल का प्रोडक्शन। काफी बड़े मात्रा में जंगल्स काटे जा रहे हैं पाम ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके कारण बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। काफी इंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे ऑरेंगटन, पिग्मी एलिफेंट और सुमात्रन राइनो के भी हैबिटेट लॉस हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन और बायोडायवर्सिटी लॉस के अलावा चाइल्ड लेबर और लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ये दो इश्यूज भी हैं जो पाम ऑयल प्रोडक्शन के साथ लिंक किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस पूरे टॉपिक को समराइज किया जाए तो बेसिकली बात ये है कि पाम ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, और हमें पाम ऑयल के यूजेज को लिमिट करना चाहिए। तो दोस्तों, हम और आप क्या कर सकते हैं पाम ऑयल के प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हम ये ले सकते हैं कि हम प्रोसेस फूड के कंजम्पशन को कम कर दें, और दूसरा, वही फूड्स खरीदें जिसपे सस्टेनेबल फार्मिंग या सस्टेनेबल प्रोडक्ट का मार्क लगा हो। और हाँ, फाइनल बात दोस्तों ये कि काफी व्हाट्सएप मैसेजेस पे ये भी बताया जा रहा है कि पाम ऑयल स्मोकिंग से भी ज्यादा डेंजरस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल स्मोक ना करें, बेटर है आप पाम ऑयल कंज्यूम कीजिए रायर देन स्मोकिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए। धन्यवाद।